हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट 7 सीटर कार्स इन इंडिया। नंबर 5 पर आता है महिंद्रा XUV 500 W3 वेरिएंट। महिंद्रा XUV 500 के इस वेरिएंट में हमें एम हॉक डीजल इंजन 2179 cc वाला मिलता है, जो कि 155 bhp का पावर 3750 rpm पर जनरेट करता है और 360 Nm का टॉर्क 1750 से लेकर 2800 rpm पर जनरेट करता है। इसमें हमें 70 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है और इसका माइलेज अराउंड 15.1 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड है। नंबर 4 पर है टाटा हेक्सा XE वेरिएंट। टाटा हेक्सा के इस मॉडल में 2.2 लीटर 2179 cc का इंजन मिलता है, जो कि 147 bhp का पावर 4000 rpm पर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क 1500 से लेकर 3000 rpm पर जनरेट करता है। इसमें हमें 60 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है और इसका बूट स्पेस की कैपेसिटी 128 लीटर की है। इसमें हमें फ्यूल टाइप डीजल का मिलता है। इसका माइलेज अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर है। नंबर 3 पर है मारुति एर्टिगा VXI 80 वेरिएंट। मारुति एर्टिगा के इस वेरिएंट में 1462 cc का इंजन मिलता है, जो कि 103 bhp का पावर 6000 rpm पर जनरेट करता है और 138 Nm का टॉर्क 4400 rpm पर जनरेट करता है। इसके हम बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नंबर 2 महिंद्रा मैराजो M4 वेरिएंट। महिंद्रा मैराजो के M4 वेरिएंट में हमें 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन मिलता है, जो 1497 cc का है, जो कि 121 bhp का पावर 3500 rpm पर जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क अराउंड 300 Nm का 1750 से लेकर 2500 rpm पर जनरेट करता है। कि अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है और 190 लीटर की बूट स्पेस की कैपेसिटी। नंबर 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो S5 वेरिएंट। महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस वेरिएंट में हमें एम हॉक डीजल इंजन मिलता है, जो कि 2179 cc का है, 120 bhp का पावर 4000 rpm पर जनरेट करता है और 280 Nm का टॉर्क 1800 से लेकर 2800 rpm पर जनरेट करता है। इसमें हमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर की मिलती है और इसका बूट स्पेस की कैपेसिटी अराउंड 460 लीटर की है। इसका ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल है।